इको सिस्टम एंड बायोम पसता कंटेंट्स ईकोसिस्टम बायोम बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स दैन इको क्लाइन कोरियोल इफेक्ट एंड द सेल्स द इकोसिस्टम एको सिस्टम एंड बायोम दे आर टू डिफरेंट थिंग्स इकोसिस्टम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम का आपस में और इन्वायरमेंट के साथ एक इंट्रेक्शन है सो इट इज एक्चुअली द इंटरेक्शन इको क्या है इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट तो जहाँ भी आर्गनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उससे जो सिस्टम बनेगा हम उसको क्या कहेंगे इको का नाम देंगे जबकि जो बायोम है बायोम इज डिफरेंट फ्राम द इको सिस्टम इन सच है वेक्ट दैट बायोम इज एक्चुअली द सर्टन पार्ट ऑफ अर्थ बायोम जो है वो एक्चुअली अर्थ का जमीन का एक खास हिस्सा है जिसके ऊपर एक नॉर्मली क्या होगा कि खास तरह की जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है तो बायोम जो है उसको हम यू फिर डिफाइन करेंगे बायोम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ अर्थ पार्ट ऑफ लैंड विच है करेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ या स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं एंड एक्चुअली इट इज़ करेक्टराइज बाई स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन और बायोम जो है उसकी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन भी मौजूद होती हैं यानी बायोम्स जो है ये फिर एकोसिस्टम पर किस तरह से डिफरेंट है कि बायोम के हम डेफिनेशन में करते हैं कि बायोम एक ऐसा लैंड का एरिया है कैसा ज़मीन का खत्ता है जिसके ऊपर क्या है कि ख़ास टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं स्पेसिफिक टाइप के और स्पेसिफिक टाइप के वहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं और सेकेंड वन ये है कि उसका एक ख़ास क्लाइमेट है खास क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी होती हैं अब अर्थ के ऊपर डिफरेंट बायोम्स हैं टेरिस्टरी बायम्स की अगर हम बात करते हैं यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरिस्ट्री बायोम्स जैसे हमारे पास टंड्रा है देन कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं डिसीडियस फॉरेस्ट हैं ग्रास हैं और डेजर्ट्स हैं तो दीज आर ऑल हैविंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स, दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल्स तो हाउ कैन वी मार्क बायोम ऑन अर्थ बायोम को हम जमीन के ऊपर किस तरह से जाओ मार्क कर सकते हैं बायोम की डेफिनेशन हम कहते हैं कि बायोम दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल्स विद स्पेशल स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन तीन चीज़ें उस आ जाती हैं प्लांट्स एनिमल्स और क्लाइमेटिक कंडीशन जो बोटेनिस्ट हैं उन्होंने बहुत इनिशियली क्या किया, किया कि जो बायोम्स हैं दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स जो है वो पॉपुलेशन या कम्यूनिटी प्लांट की टाइप्स ऑफ प्लांट के लिहाज से उन्होंने क्या किया, किया कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट बायोम जो है उनको डिफाइन किया बाद में जब एनिमल्स की जो है वो चूँकि एनिमल्स जो है एबिलिटी टू मूव एनिमल्स जो है उनकी एबिलिटी है कि वो मूव कर सकते हैं तो इसलिए एनिमल्स की बेस के ऊपर बायोम को जो है वो डिमार्क करना या उसकी बाकायदा जो है वो एरिया आइडेंटिफाई करना जो इट इज़ वेरी टफ प्रोसेस तो इसलिए बाद में फिर द साइंटिस्ट दे, दे गॉट एग्रीड के जो प्लांट की बेसिस के ऊपर जो लैंडस्केप जो बायोम जो हम इसको क्या करेंगे डिमार्केशन करेंगे या उसको जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे सो नाउ द बायोम्स दे आर आइडेंटिफाइड बाई द स्पेसिफिक या डोमिनेट जो वो टाइप ऑफ प्लांट्स जो उसको डिफाइन किया जाता है इंटरेस्टिंगली जहाँ खास टाइप के प्लाट्स मौजूद होंगे वहाँ खास टाइप के ही एनिमल्स पाए जाते हैं इसलिए द टाइप ऑफ प्लाट विल आल्सो हैविंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एनिमल्स तो खास टाइप के बायोम के अंदर फिर खास टाइप के ही हमें जो वो एनिमल्स जो है वो भी मिलेंगे तो अगर हम बायोम की बात करें जैसे अभी हमने कहा कि जो शुरू में बायोम के एग्ज़ाम्पल्स पा रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशनस हैं जैसे डेजर्ट है डेजर्ट की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन हैं ग्रास लैंड जो हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती हैं उनकी स्पेसिफिक रेनफॉल डिफरेंट है टेम्परेचर डिफरेंट है इस तरह से फॉरेस्ट हैं फॉरेस्ट के अंदर भी हमें दो तरह के फॉरेस्ट मिले हैं फॉरेस्ट होते हैं कॉनीफॉरेस्ट फॉरेस्ट हैं है। या फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास वो कोल्ड रीजन जो टंडरा जो है उसमें आ जाता है अच्छा अब यह है कि जितने भी बायोम्स हैं वो हमेशा एक बायोम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ दूसरा बायोम शुरू हो जाता है तो दो बायोम्स के दरमियान का जो रीजन है ये वो इलाका है जहाँ दोनों बायोम्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं ओवरलैप कर रहे होते हैं अब इस खास रीजन के ऊपर दोनों तरह के जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलेंगे दोनों बायोम्स के जो वो कॉन्टी मुशरक फ़ीचर्स मिलते हैं तो दो बायोम्स की बाउंड्री का एरिया जो है दैट इज़ कॉल्ड द इकोक्लाइन क्योंकि उसके एकोक्लाइन इसका मतलब एक ईको एक क्लान जो है सपोज एक इको एक क्लान जो है वो डेजर्ट और ग्रास लैंड के दरम्यान मौजूद है तो इस इको क्लान के अंदर डेजर्ट के एनिमल्स भी आपको मिल जाएंगे और ग्रास लैंड के एनिमल्स भी मिल जाएंगे जिससे इको कलान दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्रीज और वो आप प्योरली ना ही तो दोनों बायोम किसी बायोम को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं देन द कोरियोलिस तो अच्छा अगर हम यहाँ देखें बायोम्स जो हैं दे आर एक्चुअली हैविंग स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी जो स्पेसिफिक जो वो क्लाइमेटिक कंडीशन है स्पेसिफिक टेम्परेचर है स्पेसिफिक जो वो उसकी जगह वो अच्छा अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर जो एक्वेटर है इट इज़ दाम एसपोर्ट पार्ट ऑफ अर्थ यानी कि अगर हम सन इंटेंसटी की बात करते हैं या तो नॉर्मली जो एक्वेटर होते हैं वो वाम होता है वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन हैं जैसे जैसे हम इक्वेटिक से अर्थ के नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ चले जाते हैं आहिस्त टेम्परेचर क्या होता तो चला जाएगा म होता चला जाएगा तो इस तरह से जैसे ही हम अब होगा क्या कि इक्वेटर के ऊपर वार्म एयर मूव करेगी टू द पोल्स या पोल्स की तरफ एयर मूव करेगी तो जो पोल्स के ऊपर जो कोल्ड एयर है वो आहिस्था इक्वेटर की तरफ मूव करेगी तो इस तरह से यानी कि वार्म एयर मूविंग टू द पोल्स और पोल से कोल्ड एयर जो है वो आहिस्ता आहिस्था नीचे इक्वेटर वाली तरफ जो है मूव करेगी लेकिन इस मूवमेंट को इंटरप्ट करती है अर्थ की रोटेशन जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन जब एयर की मूवमेंट को इंटरप्ट करेगी तो एयर डिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड दिस स्पेसिफिक फिनमिना इज कॉल्ड द कोरियोलस इफेक्ट इस स्पेसिफिक फिनमिना जिसमें जो एयर जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जानी थी और पोल से जो एयर इक्वेटर की तरफ आनी थी जो अर्थ रोटेशन की वजह से जब वो डिस्टरप्ट हो जाती है तो इस फिनिना को हम कोरियोलस इफेक्ट का नाम देते हैं अच्छा अब इंडस्ट्रली जब एयर जो है उसकी सर्कुलेशन जब इंटरप्ट होगी तो इसका होगा ये कि डिफरेंट जो अर्थ के जो रीजन्स हैं जो बायोस्फीयर इसके ऊपर डिफरेंट जगह में सर्कुलेशन जोन्स मिलेंगे एयर के तो एयर के जो सर्कुलेशन जोन्स हैं अगर हम इसको देखें तो आमतौर पर जो इक्वेटर से एक हेमिस्फीयर तक तीन सर्कुलेशन जोन्स एयर के बनेंगे एंड दीज सर्कुलेशन जोन आर एक्चुअली कॉल्ड एज द सेल्स इसको जब हम सेल्स कहेंगे पहला सर्कुलेशन जोन है जो इक्वेटर से यानी ज़ीरो डिग्री से लेकर थर्टी डिग्री तक लेटिट्यूड तक जाएगा दूसरा सर्कुलेशन जोन जो है वो थर्टी से सिक्सटी तक जाएगा और तीसरा सर्कुलेशन जोन वो है जो बिल्कुल पोल्स के करीब बनेगा जहाँ एयर जो है वो क्या करेगी सर्कुलेट कर रही होगी तो इस तरह से थ्री सर्कुलेशन जोन्स बनेंगे जिसको हम सेल्स कहते हैं और ये सेल्स ये सर्कुलेशन जोन जो है दे आर फॉम्ड एक्चुअली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं इस डायग्राम में हम बड़े के लिए डिफरेंट सर्कुलेशन जोन जो है उसको देख सकते हैं जैसे हमारे पास इक्वेटर से अगर नॉर्थ की तरफ चले जाएँ तो ये एक हमारे पास सर्कुलेशन जोन बनेगा थर्टी तक थर्टी से सिक्सटी तक दूसरा है इससे अर्थ की बाउंड्रीज़ के साथ साथ अगर आप देखें तो एक सर्कुलेशन जोन अलग से बन रहा है तो ये हमारे पास जो है थ्री सर्कुलेशन जोन या थ्री सेल्स जो है वो बनते हैं